थर्ड नंबर के लिए देख लेते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल तो जाएगा निगेटिव ऑफ एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा ये कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 5/3। तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बच्चे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।